हेलो गाइस, सुभाष शर्मा नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हो टेक विद सुभाष। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल की किसी भी एप्लीकेशन में हिंदी फॉन्ट कैसे यूज कर सकते हो, वो भी कस्टम फॉन्ट। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा पिक्सलैब एप्लीकेशन है और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा है। आप देख सकते हो, ये जो फॉन्ट है ना, वो आपको अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे आप मान लीजिए पिक्सलैब एप्लीकेशन यूज करते हो, पिक्सआर्ट यूज करते हो, वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। इसको आपको अलग से ऐड करना होगा, कस्टम जो फॉन्ट है उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो अगर आप ऐड करते हो हिंदी में कुछ लिखते हो किसी पोस्टर में या फिर यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनाते हो उसमें हिंदी में लिखते हो, तो ये काफी कमाल का हो सकता है। क्योंकि आपको जो है वो बाय डिफॉल्ट जिसमें मिलती है फॉन्ट, वो काफी कमाल की नहीं होती और देखने में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगती। ऐसे में आप हिंदी फॉन्ट, इंग्लिश फॉन्ट जो भी ऐड करना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो, है ना। तो किस तरीके से क्या करना है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आने वाले घंटे को दबा दीजिए। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाने के लिए आप क्रोम ब्राउजर का यूज कर सकते हो या फिर किसी भी ब्राउजर का आप यूज कर सकते हो। और हाँ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के हमारे स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ललन टॉप सारी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में मिलेगी आपको हर प्रकार की शायरी, जैसे लव शायरी, रोमांटिक शायरी, फनी शायरी, सैड शायरी। कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार की शायरी आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हो। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने सर्च कर लिया है गूगल फॉन्ट्स। तो जैसे आप गूगल फॉन्ट्स गूगल पे सर्च करोगे तो ऊपरी ऊपर आपके सामने जो ये गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट आ जाएगी, fonts.google.com। इसको आपको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना, वरना आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये जो थ्री डॉट्स मिलते हैं इस पर क्लिक करना और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला लैंग्वेज वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। लैंग्वेज वाले पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहां पर आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिसका नाम मैं आपको दिखा देता हूं। इसका नाम है देवनागरी। देवनागरी ये जो सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने एमएस वर्ड यूज किया है तो देवनागरी लिपि के बारे में आप जानते होंगे कि हिंदी के लिए यूज करते हैं, हिंदी में लिखने के लिए देवनागरी लिपि का यूज करते हैं हम। तो आप देख सकते हो काफी जो अमेजिंग अमेजिंग यहाँ पर फॉन्ट देखने को मिल गए हैं हिंदी वाले। जो भी आपको फॉन्ट अच्छी लगे उसको आपको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको ये वाली अच्छी लगती है तो आप देख सकते हो एक प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये जो सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक माइनस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप इसे जो माइनस वाले को क्लिक कर देते हो तो ये जो अनसिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है उसको प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगी। जितनी भी आपको सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट आप कर सकते हो। तो चलिए मैं जो सारों को सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मुझे सारी अच्छी लग रही है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जितनी सिलेक्ट करनी थी वो मैंने सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर आपको एक काली पट्टी दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये देखिए, ये जो ब्लैक वाली देख सकते हो 43 मैंने सिलेक्ट किया है। वो इस पट्टी पे आपको क्लिक करना है, जितनी भी आप सिलेक्ट किए वो सिलेक्ट हो जाएगी। इस काली पट्टी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस काली पट्टी पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और ये जो है आपकी फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में। तो आप देख सकते हो fonts.zip के नाम से जो फाइल हमारे मोबाइल में सेव हो गई है। अब आपको जरूरत पड़ेगी अपने फाइल मैनेजर में जाने की, लेकिन अगर आपका फाइल मैनेजर है वो सपोर्ट नहीं करता जिप फॉर्मेट वाले को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो आप एक फाइल मैनेजर का यूज कर सकते हो, जो मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं, लगभग एक साल से इस फाइल मैनेजर का यूज कर रहा हूं, जिस फाइल मैनेजर का नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। इस फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो इजीली आप वहां जाकर इस फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर लीजिए। काफी कमाल का ये जो है वो फाइल मैनेजर है। उसके बाद इस फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटरनल स्टोरेज का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो डाउनलोड्स में जाना है, क्योंकि डाउनलोड्स में वो फाइल आई है, तो डाउनलोड्स में जाना है। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो हमारी फाइल है fonts.zip के नाम से है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाएगी। आपको जब बैक आना है और इस पर लॉन्ग फ्रेस करना है, इस तरीके से लॉन्ग फ्रेस करना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट्स देखने को मिलेंगे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्ट टू, यहां पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फॉन्ट्स देखने को मिल जाएगा, ओके पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और आपका फॉन्ट्स का जो एक नया ऑप्शन आ चुका है। आप देख सकते हो इतनी फॉन्ट यहां पर आ गई है, काफी कमाल की फॉन्ट लग रही है ना। तो इसको हम ऐड करेंगे, ऐड किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अब आपको अपना ओपन करना है पिक्सलैब एप्लीकेशन, तो मैं यहां से जो अपना पिक्सलैब एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। अब यहां पर देखिए कुछ भी लिख लीजिए आप, जो भी लिखना चाहते हो, जैसे कि ये मैंने लिख के रखा है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, ए वाले ऑप्शन में आओगे ना आप, तो आपको स्क्रॉल करते हुए आगे आना है इस तरीके से। अब देखिए मैं जो ये स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, अब स्क्रॉल इस तरीके से आपको आगे आना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है फॉन्ट वाला, एपी वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो फॉन्ट होगी वो शो होगी और उसके बाद माई फॉन्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस माई फॉन्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपकी
आपकी फॉन्ट होगी वो देखने को मिलेगी अगर आपने ऐड करके रखी हो तो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये वाला, तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है क्योंकि डाउनलोड्स में हमारी है। तो डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो फोल्डर देखने को मिल जाएगा फॉन्ट्स वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो फॉन्ट डाउनलोड की होगी वो देखने को मिल जाएगी। तो अंबिका जो नाम की फोल्डर है ये जो है बेसिकली ये फोल्डर है, अंबिका एक फॉन्ट है, इस पर क्लिक करना है। अंबिका के अलग अलग ग्रुप है, बोल्ड है, स्किन बोल्ड है, रेगुलर है, तो आपको तीनों को सिलेक्ट करना है। कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, हम तीनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा जो है बैक आएंगे तो देख सकते हो गाइज आपको ऑल सिलेक्ट करने के लिए क्या ऑप्शन देगी। अगर आप जो इस फोल्डर पे क्लिक करते हो तो आपकी सिलेक्ट ये जो हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस फोल्डर पे सिलेक्ट करते हो तो फोल्डर के जितने भी अंदर फोल्ड जो फॉन्ट होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि इस पे मैं क्लिक करता हूँ ये फॉन्ट सिलेक्ट हो गई, इस पे मैं क्लिक करता हूँ ये फॉन्ट सिलेक्ट हो गई, अंबिका वाली सिलेक्ट हो गई, ये वाली सिलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से आपको पूरी पूरी जो है सिलेक्ट कर लेनी है, जितने भी फोल्डर आपके सामने हो वो सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो 43 फॉन्ट हमने डाउनलोड की थी, वो 43 की 43 हमने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एड सिलेक्टेड पे क्लिक करना है। एड सिलेक्टेड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो है फॉन्ट आ जाएगी, देख सकते हो इतनी फॉन्ट आ गई है। अब मैं चेंज करके दिखा देता हूँ ये वाली, आप देख सकते हो ये भी काफी अच्छी लग रही है ये फॉन्ट भी। बहुत से लोग इसमें लिखना पसंद करते हैं और दूसरे में लिखना पसंद करते हैं, तो वो देख सकते हो आप, जो भी आपको अच्छी लगे ना वो देख सकते हो। जैसे कि ये कलमर वाली भी काफी कमाल की है। अब आपको याद रखना होगा कि कौन सी फॉन्ट आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि बार बार तो देखोगे नहीं ना आप। तो ये भी काफी कमाल की लग रही है, आप देख सकते हो ये भी काफी कमाल की लग रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है कस्टम फॉन्ट ऐड कर सकते हो आप अपने मोबाइल में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में आने वाले घंटे को दबा दीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।